तो दोस्तों जब भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तभी से चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान के खिलाफ हमारे पूरे देश में बॉयकॉट चाइना जैसे कैंपेन शुरू हो गए हैं। इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट ने भी चीन के खिलाफ अपनी व्यापारिक नीति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिया है और हमारी सारी आम जनता भी चीनी प्रोडक्ट्स का विरोध करने लगी है। लेकिन कई बार लोग अनजाने में ही चीनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में आप आसानी से नहीं देख सकते कि प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या फिर मेड इन चाइना। किसी कोने में छोटे से अक्षरों में लिखा रहता है कि यह किस कंट्री का प्रोडक्ट है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए हमारे एक इंडियन डेवलपर ने एक मोबाइल ऐप तैयार की है, जिसकी मदद से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपका प्रोडक्ट इंडियन है या नहीं। फिर अगर आप चाहे कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदने भी जाते हैं तो आप उसे तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना है या फिर मेड इन इंडिया है। तो अगर हम इस ऐप के बारे में बात करें तो इस ऐप का नाम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बारकोड एंड QR कोड स्कैनर है। तो इस ऐप की मदद से यूजर स्मार्टफोन कैमरा के थ्रू पता लगा सकेंगे कि आपके द्वारा यूज़ किया जा रहा सामान भारतीय है या नहीं। और दोस्तों ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और फिलहाल इसकी रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है। इस ऐप का इस्तेमाल करने के दौरान प्रोडक्ट की ओरिजिन का पता लगाने के लिए यूजर्स को पैकेजिंग पर दिए गए बारकोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद प्रोडक्ट कहाँ बना है वो आपको तुरंत ही आपके फ़ोन पर दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों अब इसकी एक टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं कि ये ऐप अच्छे से काम करती है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो सामने प्रोडक्ट देख रहे हो वो अलग अलग कंट्रीज़ की प्रोडक्ट है, तो चलिए इसको स्कैन करके देखते हैं। तो इस ऐप को पहले तो ओपन कर लेना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बाद में इसको स्कैन करना है, देखिए ये फटाक से स्कैन कर देता है काफ़ी अच्छी तरीके से, जो कि जर्मनी की पहली प्रोडक्ट निकली है। दूसरा भी स्कैन करते हैं, देखिए ये भी USA का है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो नो मोर में जाकर आप यहां से जानकारी जुटा सकते हैं। देखिए यहां पर सारी आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। हालांकि इसकी आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो सिर्फ कौन सी कंट्री की प्रोडक्ट है उससे मतलब है। चलिए ये एक मोटोरोला का फ़ोन भी स्कैन कर देते, ये भी USA का है। उसके बाद देखिए ये कुछ प्रॉब्लम आई है इसको स्कैन करने में, एक सेकंड, एक बार दोबारा इसे ट्राई करके देखते हैं, फिर से स्कैन करते हैं। तो देखिए ये चाइना का प्रोडक्ट है जो कि आगे से हमें नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रोडक्ट को स्कैन करके देखते हैं, जो कि एक बाम है। तो देखिए ये इंडिया का है। उसके बाद एक और प्रोडक्ट है, इसको भी स्कैन कर लेते हैं। देखिए ये भी इंडिया की है, और ये लास्ट वाला, इसको भी एक बार स्कैन कर लेते हैं। देखिए ये USA का है। तो आप इस तरह से बड़ी आसानी से ही बारकोड्स को स्कैन करके जान सकेंगे। तो चलिए एक बार QR कोड से भी स्कैन करके देख लेते हैं, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार ट्राई कर देते हैं। तो यहाँ पर एक QR कोड है, तो ये स्कैन नहीं कर पा रहा है ठीक से QR कोड को, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है उसमें। एक यहाँ पर भी QR कोड है, इसको भी स्कैन करके देख लेते हैं। कुछ ओपन हुआ है इसमें, ये तो इसकी सपोर्ट टीम से रिलेटेड है, जो कि ये कोई काम का नहीं है। इसमें नहीं बताएगा आपको कि ये कौन सी कंट्री से है। तो QR कोड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पैकेट्स में QR कोड किसी और भी तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो बार कोड की मदद से आप इसमें अच्छी तरह से आप उसको स्कैन करके जान सकेंगे कि कौन सी कंट्री से ये प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आपने देखा कि मेड इन इंडिया बारकोड स्कैनर ऐप काफ़ी कमाल की ऐप है, काफ़ी इजी टू यूज़ इंटरफेस है उसका, और आप काफ़ी आसानी से फटाक से आप कोई भी बारकोड स्कैन करके उसकी कंट्री के बारे में आप जान सकते हो।
तो दोस्तों अगर आप चाहो तो इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो और फिर कहीं भी अगर आप बाज़ार में कुछ भी खरीदी करने जाते हो तो बारकोड को आप स्कैन करके जान सकोगे कि ये किस कंट्री से बनकर आया है, तो आपको काफ़ी आसानी होगी अपने इंडियन प्रोडक्ट को चूज़ करने की। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर भी करना। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ मैं नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा और आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।